के फूलपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिववरण पासी का टिकट काट कर अब उनकी जगह जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट बीजेपी के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने 9 सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी दांव खेलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पूरा प्लान सामने आ गया है। सीएम योगी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और एक एक विधानसभा सीट पर दो दो रैलियां करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते शहर को सजाया गया है। शहर में 500 से अधिक होल्डिंग्स और कटआउट लगाए गए हैं। इसमें एक होल्डिंग जो सबका ध्यान खींच रहा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को 10 हाथों वाला दिखाया गया है। हर हाथ में मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं को दर्शाया गया है। यूपी के जौनपुर में एक अनोखी शादी हुई, जहां बीजेपी नेता के लड़के ने पाकिस्तानी लड़की से निकाह किया। ये निकाह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कराया गया था। इसके लिए दूल्हे पक्ष के लोग जौनपुर में थे तो दूल्हा पक्ष के लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में शनिवार देर शाम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर के बवाल मच गया। दरअसल एक युवक ने विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक आपत्तिजनक पोस्ट की। इसके कारण हजारों की तादाद में लोगों ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। प्रदेश के बहराइच के बाद बरेली में दो समुदायों में झड़प का मामला सामने आया है। बरेली जिले में शनिवार को दो समुदायों के बीच पथराव की घटना से हड़कंप मच गया। इस घटना के दौरान दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। प्रदेश पुलिस 2 साल पहले तेजवीर नाम के जिस युवक को अपने रिकॉर्ड में मुर्दा दर्शा चुकी है, वो पाकिस्तान में जिंदा है और लाहौर जेल में सलाखों के पीछे बंद है। ये दावा कथित तेजवीर हत्याकांड के आरोपी गौरव त्यागी ने जेल से जमानत पर छूटने के बाद किया है। बीजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को संगम नगरी प्रयागराज में अलग ही अंदाज में देखा गया। कुश्ती और राजनीति को पीछे छोड़ के वो यहाँ पे कभी शायरी तो कभी कविता पढ़ते दिखाई दिए। इतने में भी दिल नहीं भरा और उन्होंने अवधी भाषा में कई गीत भी सुनाए। बृजभूषण ने शायरी के जरिए मौजूदा हालात को लेकर अपना दर्द बयां किया तो कविता के माध्यम से तंज कसने का काम किया। सरकार और सरकारी काम को लेकर के सरकार सजग है। जनता के हित में लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं और कामों में पलीता भी लगाया जा रहा है। ये पलीता कोई और नहीं बल्कि सरकारी कामों को पूरा करने वाले ठेकेदार लगा रहे हैं, जो महज अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ रेप के बाद आरोपी ने उसे जला के मार डाला। इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।